हेलो दोस्तों, दोस्तों वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बियर बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो बियर है इसका प्रोसेस वाइन बनाने से थोड़ा लंबा होता है, तो इसको बनाने के लिए दो आदमी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी दोस्तों मैं अकेला ही बनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों इसको मैं थोड़ी क्वान्टिटी में ही बनाऊँगा बियर को। तो फिर किसी दिन मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाऊँगा। तो आज मैं तकरीबन 4 लीटर के करीब बियर बनाने जा रहा हूँ, और दोस्तों साथ में आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स बताता जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने चूल्हा पर 3.25 लीटर पानी रख दिया है वार्म होने के लिए। तो दोस्तों अभी इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। हमको दोस्तों तकरीबन 50 से लेकर 55 तक टेम्परेचर चाहिए इसका। तो दोस्तों अभी मैंने 3.25 लीटर पानी चूल्हा पर रखा है। दोस्तों 4 लीटर बनाने के लिए हमको 7 लीटर से ज़्यादा पानी चाहिए है, तो इसलिए दोस्तों अभी ये देखिए 3.25 लीटर पानी तो मैंने चूल्हा पर रख दिया है। तो दोस्तों बाकी जो पानी है तकरीबन 3.5 लीटर के करीब पानी, वह हमको बाद में चाहिए, तो हम बाद में उसको गर्म कर लेंगे। उसका भी टेम्परेचर चेक करके हम माल्ट पर डालेंगे। तो दोस्तों इसका टेम्परेचर 55 है, हमको इतना ही टेम्परेचर चाहिए था। दोस्तों ठंडे देशों में इसका टेम्परेचर 70 तक रखा जाता है, तो दोस्तों इंडिया में तो अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए दोस्तों हमको टेम्परेचर 55 रखना है। अगर ज़्यादा ठंड हो तो दोस्तों फिर आप थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रख सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए इसका टेम्परेचर 55 हो गया है। तो अभी दोस्तों इसमें हम माल्ट डाल देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये जौ का माल्ट है, बारले का। ये दोस्तों मैंने खुद ही बनाया था, इसका मैंने वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने ये माल्ट बनाने का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों ये माल्ट अमेजोन से भी मिल जाता है, लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है अमेजोन से। दोस्तों ये 450 रुपये का 1 किलो आपको मिल जाएगा, बहुत महंगा मिलता है। अगर आपने ख़रीदना हो तो आप अमेजोन से भी मंगवा सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप बना बनाता हुआ माल्ट लेना चाहते हो तो आप लिंक पर जाकर इसको खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए अभी हमने ये माल्ट को ऐसे गोल गोल कर इसमें डालते जाने का है। ये देखिए इसको दोस्तों ऐसे थोड़ा एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालकर ऐसे हिलाते जाइए, ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बन जाए। तो ये देखिए दोस्तों मैं इसको करसी के साथ डाल रहा हूँ, और साथ में ये देखिए हिला हिला कर इसमें ये देखिए गोलता जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बियर बनाते हो तो आप माल्ट बैग का उपयोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं तो कम क्वांटिटी में ही बना रहा हूँ बियर, तो इसलिए ये देखिए माल्ट को मैं सीधा ही डाल रहा हूँ। आप चाहो तो सीधा भी डाल सकते हो, या फिर बैग का उपयोग भी कर सकते हो। दोस्तों मैं 4 लीटर बियर बनाने जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने ये 1 किलो से भी कम माल्ट लिया है। ये 1 किलो से भी कम है मेरा माल्ट। दोस्तों अगर आप 5 लीटर बियर बना रहे हो तो आप 4 या 4.5 लीटर पानी लीजिएगा ये जौ को सोख करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये सारा पानी जौ चूस लेता है। इसलिए आप 5 लीटर बियर के पीछे 4 या 4.5 लीटर पानी डालें, तो बाकी जो हम 3.5 या 4 लीटर पानी गर्म करेंगे वो हम बाद में माल्ट के ऊपर डालेंगे। यह देखिए मैंने माल्ट को पानी में डाल दिए हूँ, पानी का टेम्परेचर 55 सेल्सियस है। तो दोस्तों इसको ऐसे ही अभी हम 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो 1 घंटा बाद दोस्तों हम माल्ट से पानी को निचोड़ कर आग पर उबालेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी इसको 1 घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे माल्ट को पड़े हुए 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। ये देखिए माल्ट सारा पानी चूस चुका है। दोस्तों मैंने इसमें 3.5 लीटर पानी डाला था, मुझे थोड़ा और पानी ज़्यादा डालना चाहिए था। अब दोस्तों जब बनाओगे तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ये देखिए ये माल्ट सारा पानी चूस जाता है। तो दोस्तों अभी इसका मैं टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ, अभी 1 घंटा बाद इसका टेम्परेचर क्या है। तो दोस्तों ये देखिए इसका टेम्परेचर अभी भी 50 सेल्सियस है। दोस्तों 55 सेल्सियस था इसका टेम्परेचर जब मैंने इसको रखा था, तो अभी ये देखिए इसका टेम्परेचर 50 हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, टेम्परेचर इतनी जल्दी नीचे नहीं जाता। ये देखिए ये 50 सेल्सियस अभी भी इसका टेम्परेचर बना हुआ है। दोस्तों अभी इस गोल को मैं छान लूँगा। ये देखिए ये इस गोल को छनने के लिए दोस्तों मैं ये स्पेशल ऑनलाइन मैंने कपड़ा मंगवाया है, ये देखिए इसके साथ मैं इसको छनने जा रहा हूँ। यह कपड़ा आपने भी मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अभी हम माल्ट को छान लेते हैं।
तो मैंने एक्स्ट्रा 3.5 लीटर पानी गर्म किया था, वो अभी हम इसके ऊपर डालकर माल्ट का असर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो दोस्तों उस पानी का टेम्परेचर मैंने 52 रखा है, तो अभी वो इसके ऊपर डालकर हमने दोस्तों इसमें से अच्छी तरह से इसका असर निकाल लेना है। तो दोस्तों ऐसे ही पानी डालना है, इसको निचोड़ना नहीं है। दोस्तों अगर आप इसको ज़्यादा निचोड़ते हो तो जो इसमें आटा मिला होता है तो वो आटा नीचे पानी में चला जाएगा, इसलिए दोस्तों इसको निचोड़ना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर ऐसे ही पानी डालना है। ये देखिए दोस्तों मैंने इस पर एक्स्ट्रा पानी डालकर इसमें से सभी असर निकाल लिया है, ये देखिए। तो अभी दोस्तों इसको हम आग पर पकाएंगे। और दोस्तों ये देखिए जो बारले का बाकी फोकटम बच गया है दोस्तों, ये गाय और भैंस को डालने के काम आएगा। तो दोस्तों अभी इस गोल को हमने आग पर 1 घंटा के लिए पकाना है, इसको अच्छी तरह से 1 घंटा के लिए उबालना है। यह देखिए दोस्तों हमारा गोल उबलना शुरू हो चुका है। दोस्तों इसको ऐसे ही 1 घंटा के लिए पकाते रहना है, और दोस्तों साथ में बीच बीच में ऐसे करछी हिलाते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा आटा होता है बारले का जो, तो वह नीचे दोस्तों लग जाता है, इसलिए दोस्तों उसको हिलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में ये 5 मिनट बाद ये करछी फेरते रहिएगा ताकि ये आटा वगैरह नीचे जल ना जाए। दोस्तों ये 1 घंटा से गोल को पकाने का प्रोसेस बहुत बोरिंग होता है, इसमें आपको उबा सकती है, लेकिन दोस्तों इसको बनाने में आनंद भी आता है, तो दोस्तों इसको बनाते हुए भी आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों हम इस गोल को उबालना बंद करने से पहले इसमें 2 चीज़ें डालेंगे। 10 मिनट पहले दोस्तों हम इसमें थोड़ी होप्स डालेंगे, और दोस्तों ये थोड़ा हम इसमें रिसमोस डालेंगे 5 मिनट पहले। तो ये देखिए दोस्तों ये रिसमोस है, तो दोस्तों ये रिसमोस एक सीवीड होता है, ये गोल को पूरा क्लियर कर देता है, क्लीन कर देता है, तो ये दोस्तों उसको क्लीन करने के लिए होता है। दोस्तों अगर आपने ये रिसमोस मंगवाना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हॉप्स पेड्स है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाए थे, ये आपने मंगवाने हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैं 4 लीटर में ये 3 ग्राम हॉप्स डालूंगा। तो दोस्तों ये मैंने 25 ग्राम अमेजोन से मंगवाए थे, तो ये देखिए मैं 3 ग्राम के करीब इसमें हॉप्स डालूंगा। ये उबालना फिनिश करने से 10 मिनट पहले मैं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों हॉप्स डालते समय मुझसे वीडियो कट गया है, वो मैं आपको डालते हुए नहीं दिखा पाया हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसको उबालना फिनिश करने में अभी 5 मिनट रह गए हैं, तो ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा रिसमोस डालूंगा। दोस्तों रिसमोस बिल्कुल 1 ग्राम के करीब डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है। यह देखिए दोस्तों उबालते हुए इसका काफ़ी पानी सूख जाता है, इसलिए दोस्तों शुरू में मैंने 8 या 9 लीटर पानी लेने को बोला था, क्योंकि काफ़ी पानी तो माल्ट भी चूस जाता है। तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम गोल को ठंडा करेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरा ठंडा पानी इस बर्तन में डाल लिए हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों इसमें मैं ये गोल रख देता हूँ, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसमें थोड़ी मैं बर्फ़ भी डाल देता हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके। तो दोस्तों इसकी मैं ग्रेविटी चेक करूंगा, ये देखिए थोड़ा सा मैं अलग से निकाल कर जल्दी ठंडा कर लेता हूं ताकि इसकी मैं ग्रेविटी चेक कर सकूं। तो दोस्तों ये देखिए बिना शुगर डाले इसकी ग्रेविटी 1025 आया है, दोस्तों बहुत बढ़िया ग्रेविटी है ये। तो इसमें मैं थोड़ी सी शुगर भी डालूंगा ताकि थोड़ी और हाई अल्कोहल बन सके। तो दोस्तों इसमें मैं 325 ग्राम शुगर डालने जा रहा हूँ ताकि थोड़ी हाई अल्कोहल बन सके। तो मैं हमेशा की तरह देसी खांड ही उपयोग करने जा रहा हूँ। इस शुगर को अभी मैं इस कोसा पानी में डालकर ऐसे से डिसॉल्व कर लेता हूँ।
तो दोस्तों शुगर को मैंने घोल लिए हूँ, अभी पूरे घोल में इसको मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों शुगर ऐड करने के बाद मैं इसकी दोबारा ग्रेविटी ले लेता हूँ, अभी देखता हूँ इसकी ग्रेविटी कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों अभी इसका ग्रेविटी 1070 है, तो दोस्तों इसमें तकरीबन 8% अल्कोहल बनेगा। तो दोस्तों मुझे तो 6-7% बनाना था तो, लेकिन थोड़ा हाई हो गया है, तो ठीक है दोस्तों इतना भी चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया ग्रेविटी आया है। तो दोस्तों सभी गोल को अभी जार में डाल देते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसमें थोड़ा सा ईस्ट डालेंगे और थोड़ा सा ईस्ट न्यूट्रिएंट डालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये ईस्ट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। दोस्तों आप किसी भी प्रकार का ईस्ट डाल सकते हो। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल इतना सा ईस्ट हमने डालना है, बिल्कुल देखिए ये आधा चमचा के आसपास है ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम इसमें ईस्ट न्यूट्रिएंट डालेंगे। ये देखिए दोस्तों ईस्ट न्यूट्रिएंट हमने बिल्कुल मामूली सा डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा चुंटी भर डालना है। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर हमने एयरलॉक ट्यूब लगा देना है। तो दोस्तों ये एयरलॉक ट्यूब मैंने घर में ही देसी जुगाड़ तरीका से बनाया है। अगर आपने भी ये बनाना सीखना हो तो आप वीडियो लिस्ट में जाकर हमारी वीडियो देखकर इसको बनाना सीख सकते हो। दोस्तों ये एयरलॉक ट्यूब अमेजोन से भी मिल जाता है, वो अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जो देखिए घोल को मैंने रख दिए हैं, अभी 4-5 घंटा बाद दोस्तों इसका फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको 4-5 घंटा बाद दिखाता हूँ इसका फर्मेंटेशन होता हुआ। तो दोस्तों ये देखिए इसको पड़े हुए 1 दिन हो चुका है, मैंने रात को इसको रखा था, अभी ये देखिए सुबह हो चुका है। तो दोस्तों इसका देखिए फर्मेंटेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, ये देखिए इसके एयरलॉक ट्यूब में भी कितना बढ़िया बुलबुला उठ रहा है। तो दोस्तों इसका फर्मेंटेशन तकरीबन 8 या 10 दिन तक डन हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसका फर्मेंटेशन डन हो जाएगा तो इसका मैं अगला प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, यानी कि इसको हम बॉटलिंग करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।